नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के कार्यालय में। नगर पंचायत का जो कार्यालय हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशी जीतने के बाद ये पहली बार बैठक हो रही है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ किस लिए बैठक हो रही है, योजना जो है 15 योजना उसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बैठक हो रही है, जिसमें मैं आपको बता दूँ जल जीवन हरियाली योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा नला उड़ाही कराने पर विचार विमर्श कार्यालय कार्य हेतु अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद एवं सभी इसमें शामिल हुए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। साथ में कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी 19 वार्ड पार्षद भी यहाँ पर मौजूद रहे, चेयरमैन उप चेयरमैन भी मौजूद रहे। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इन सभी को हसनपुरा नगर पंचायत में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए शुभकामना देने के लिए हामिद राजा खान और डब्लू खान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनसे मिलकर हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि और क्या योजनाओं पे बातचीत हो रही है। कार्यपालक के विकास पदाधिकारी से भी जानेंगे कि ये योजना धरातल पे कब उतरने वाली है, हसनपुरा नगर पंचायत में कब जनता के लिए विकास कार्य शुरू होगा, ये खुशखबरी है आज। और जानते हैं इनसे कि और क्या क्या मीटिंग में बातचीत हुई। देखिए, यहाँ जो आज बैठक किया गया है उसमें कुल बहुत सारी एजेंडे थे, सारे एजेंडे पर बात किए। उसमें मुख्य रूप से जो एजेंडा था, जो सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजना है उस सारे पर एजेंडे में हम लोग रखे हुए थे। सारे पर सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है, जैसे आपका जल जीवन हरियाली हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, जलापूर्ति योजना हो गया, नाली उड़ाही का हो गया, कुछ संसाधन के भी क्रय करने पर भी निर्णय हुआ है। बहुत जल्दी उस पर हम लोग काम करेंगे, उसका अच्छा परिणाम आएगा। जीते हुए प्रत्याशी एक्टिव हैं और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो साफ सफाई का काम है अभी भी हसनपुरा में उतने पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करें? नहीं नहीं, उसके लिए हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि जो भी टैग व्यवस्था के तहत एजेंसी काम कराया जा रहा उसको जल्दी हटाया जाए और नए एजेंसी बहाल के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। कब तक की उम्मीद किया जा सकता है जो नए एजेंसी आएगी और धरातल पे काम मतलब जल्दी होने वाला? हमारे अनुमान से 2-3 महीना और लगेगा जिसमें नई एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र हुआ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत हसनपुरा। हसनपुरा नगर पंचायत का जो योजना वाली मीटिंग थी उसमें शामिल हुए, किस उद्देश्य से मीटिंग रखा गया था? देखिए, ये नगर पंचायत बना, चुनाव हुआ, सब लोग जीते, तो ये पहला मीटिंग है। पहला मीटिंग में हम भी सुने तो पूरे ज्यादा हमारे एरिया में है, तो हम यहाँ आ गए सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए और पहचान करने के लिए। अभी तो कितना लोग सब भेंटे नहीं हुआ था, सब कोई के चेहरा देखे, जान पहचान हुआ और बहुत शांतिपूर्वक बैठक के कार्रवाई चली। और हम ये लोग मिल के सब लोग राय किए, हम भी उसमें अपना जो समझ पाए बताए, सब लोग अपना अपना योजना देंगे और इसका विकास होगा, बहुत अच्छा तरीके से होगा, हम लोग सहयोग देंगे, बस यही के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या मैसेज रहेगा आज हसनपुरा नगर पंचायत वासियों के लिए? बहुत अच्छा खुशखबरी रहेगा, जो सुविधा है, जो सिवान में नहीं सुविधा है, ये अधिकारी लोग सुन रहे हैं, ये नए नए वार्ड लोग जीते हैं, जो सिवान में सुविधा नहीं है ओकरा से बेहतर सुविधा यहाँ होगा, नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं जो रेला रैली करते हैं यहाँ के लोग कितना है, वही हो जाएगा अधिकारी लोग का। यहाँ एकदम साफ सफाई, जितना विकास के काम गली नली जितना बाकी है सबको फिट फट करा देना है। ये कब तक अनुमान लगाया जाए कि धरातल? बहुत जल्दी, हमें देर का करना है, एकदम भीड़ जाना है इसमें। जिस तरीके से योजना वाली मीटिंग थी यार, आप भी इसमें शामिल हुए और हसनपुरा नगर पंचायत के लिए आपके लिए बड़ी बात है कि जनता को? नहीं नहीं नहीं, हम शामिल शुभकामना देने के लिए, शुभकामना देने के लिए आए। हाँ, अपने चेयरमैन को, वार्ड पार्षदों को, अपने विधायक जी के साथ, क्योंकि हम लोग का गार्जियन है विधायक के अलावा, तो साथ में आदमी कहीं भी चला जाता है, तो हम लोग सबके लिए दुआ देंगे कि हमारा नगर पंचायत हसनपुरा तरक्की करे, आगे बढ़े। इसी के तहत विधायक जी के साथ हम लोग आए थे कि सबसे हम लोग भी मिलजुल लें। क्या उम्मीद किया जा सकता है हसनपुरा नगर पंचायत बदलेगा इस मीटिंग के बाद? जब एकदम बदलेगा, गारंटी के साथ बदलेगा। हमारे गार्जियन जैसा जहाँ विधायक हो, जो अभी बता गए हैं कि रैला रैली हो जाएगा, आप सब लोग सुन रहे हैं, सारे लोग काम करें, सारे लोग नगर पंचायत को आगे बढ़ाने में कुर्बानी दें, इसके लिए मेल मोहब्बत से काम करें,
सब लोग आगे बढ़े। जितने जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, जो जीते हुए वार्ड पार्षद हैं, उप चेयरमैन चेयरमैन हैं, उनके लिए और पूरे जनता के लिए क्या आपकी तरफ से संदेश रहेगा और क्या मैसेज देंगे? सारे लोग मिलजुल के काम करें, जो यहाँ कार्यपालक हैं उनका सहयोग करें, चेयरमैन का सहयोग करें, उप चेयरमैन का सहयोग करें, अपना योजना दें, अपने अपने वार्ड में जो भी काम है उस काम को कराएं। बहुत बहुत